नशे के काले कारोबार से जुड़े नशा माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए हिमाचल पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत कई नशा माफियाओं की धरपकड़ की गई है। वहीं इन माफियाओं से पकड़े गए ड्रग्स व मादक पदार्थों की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए बड़े स्तर पर इन्हें नष्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसकी कमान खुद DGP संजय कुंडू ने अपने हाथों में ली है। इसी के मद्देनजर इस विशेष मुहिम की शुरुआत बिलासपुर से की गई है और ACC गग्गल सीमेंट बरमाणा के इंसिनरेटर में नशा पदार्थों को नष्ट किया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कुल 72 मामलों में जब 24 किलो चरस, 118 किलो चुरापोस्त, 60 ग्राम स्मैक, 10 ग्राम हेरोइन, 9,360 प्रतिबंधित टैबलेट्स को इंसिनरेटर में डालकर स्वाह किया। वहीं DGP संजय कुंडू ने कहा कि नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में काफी संख्या में नशा पदार्थ बरामद किया जाता है, जिसे अदालत के आदेश के बाद नष्ट करने का काम किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो इसकी तस्करी का खतरा बना रहता है, इसलिए इसे इंसिनरेटर के जरिए नष्ट किया जा रहा है। का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिलासपुर इसलिए आए हैं क्योंकि जो मादक पदार्थ है, ड्रग्स है, उसमें हमारी जीरो टॉलरेंस है। उसमें काम के कड़ी में ऐसा होता है जो केस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कोर्ट में परमिशन हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन आज हमने किया। 70 केस जो थे FIR, उसका जो माल है आज हमने डिस्ट्रॉय किया। और हमारे नियमों के अनुसार ये इंसिनरेटर में करना चाहिए। हम ACC का बहुत धन्यवाद करते हैं, इनका जो इंसिनरेटर है इन्होंने हमको उपलब्ध करवाया। आज हमने 24 किलो चरस, 118 किलो पॉपी हस्क यानी चूरा पोस्त, स्मैक 60 ग्राम 60 मिलीग्राम, हीरोइन करीब 10 ग्राम और टेबलेट्स करीब 9,360 हमने आज स्वाह की। और मैं पर्सनली इसलिए आया क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे, जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स। इसके बाद शाम को मैं यही कार्रवाई मंडी ज़िले में करूंगा, उनके केसेस में उनका जितना भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और कल कुल्लू में करेंगे। और इससे एक मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग्स का या मादक पदार्थ का कोई भी हिमाचल प्रदेश में स्थान नहीं है। आप जानते हैं कि बड़े सीजर्स होते हैं, बड़े खेप पकड़े जाते हैं और थाने में वो पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसमें चोरी का डर रहता है और हेराफेरी का डर रहता है। उस डर से मुक्त होने के लिए हमने ये निर्णय लिया, जो केसेस जिसमें कोर्ट से ऑर्डर लेके इनका डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसको किया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने ये सिलसिला बिलासपुर से शुरू किया है। इसके लिए मैं SP साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इस भर्ती में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर और ऊना, और बाकी भी मेरे को लगता है 20-25 दिन में हो जाएगी पूरी। उसके बाद मेडिकल होता है और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, उसको समय को लेके हम ये निश्चय किया है कि 4 जुलाई से इनकी रेगुलर ट्रेनिंग PTC ड्रो में होगी। जो नॉर्मल हैं कैंडिडेट्स, जो ड्राइवर्स हैं उनको हम जंगलबेरी में ट्रेन करेंगे और जो एक्स सर्विसमैन है इसको 1st बटालियन बनगढ़ में करेंगे। तो जो भी सेलेक्ट हुए मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, और इनके लिए जल्दी खुशखबरी आने वाली कि इनकी जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, तुरंत हम चालू करने वाले हैं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।